हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। ये है हेमकुंड साहब की यात्रा जून 2019 में की गई। इस वक्त जून के महीने में 20 साल के बाद स्नोफॉल हुआ है हेमकुंड साहब में। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये पीछे गुरुद्वारा साहब है, ये कुंड है जहाँ हम स्नान कर रहे हैं। और ये पूरा एपिसोड आपको इस यात्रा के बारे में बताएगा कि आप किस तरह से लास्ट के 3 किलोमीटर जो इस वक्त स्नो कवर्ड है, जहाँ पर जी चलना और दोस्तों, ये फिसलना है पहला दोनों चीज़ें एक नज़ारा साथ हेमकुंड होती साहब हैं, का। किस तरह से करेंगे? तो मैं आपको चलिए दिखा शुरू रहा करते हूँ, हैं हेमकुंड साहब की नज़ारा यात्रा आपके लिए का सामने नज़र पार्ट आएंगे आपको थ्री। गुरुद्वारा साहब। मान ना कीजे शरण ये पहला परिचय, नज़ारा है, दूसरी तरफ क्या है कहना मुश्किल। करिए दर्शन हेमकुंड भयो साहब के बर्फ अनुग्रहो के पीछे। प्रसाद संतन ये कौन सी जगह जी? दर्शन किए, ये इस तरफ लंगर है जी, चार लंगर लगे हुए हैं। तुसी इतने घूम जाओ, चाह पियो। मैं दोस्तों हमसे पहले पहुंचा हूँ। यहाँ भी बाकी सभी गुरुद्वारे की तरह आप बर्तन उठाइए और उसमें चाय डलवा लीजिए और पी लीजिए। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, रास्ता तो और भी ज़्यादा भीड़ से भरा है क्योंकि ज़्यादातर एरिया तो स्नो ने कवर कर रखा है। अगर आप इसी जगह पर समर्स में आते हैं, समर्स तो अभी भी चल रही है, बर्फ़ के पिघल जाने के बाद आते हैं तो इतनी भीड़ नहीं महसूस होती। जाके पहले नहाना ना, पहले नहाते हैं, चाय पी के कौन है? चाय पी के नहाते हैं, चाय पी के कौन है? श्री गर्म हो जाएगा लंगर छकने के बाद। लंगर छकने के बाद अब हम गुरुद्वारा साहब की तरफ जा रहे हैं। अरे बाप रे, नंगे पांव बर्फ में। शूरक इधर है, जूते आप यहाँ निकालोगे है जी, और यहाँ जाओगे नंगे पांव। पूरी परीक्षा लेगा आपकी 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 डिवोशन की, आपकी धर्म में श्रद्धा की, पूरा का पूरा परीक्षा है ये। मैं सरोवर की तरफ चले जी, चले चले चले, नंगे पांव, नंगे पांव चलना सूरत में। कितने जमा करना? गुरुद्वारा साहब के अंदर आपको जाना है दोस्त, तो जरूरी है कि आप जूते निकाल के जाओ। सेट थले चलो, बीबिया का इधर अगे वो जी, बीबिया का उठे जी, अस्सी हथे है जी। ये तो पूरा जम गया भाई, है पूरा जमा हुआ है। ये देखो स्नो ही स्नो है, पानी तो यहाँ है ही नहीं। ऐसे में नहाया कैसे जा सकता है? ये आए यार, लाते ही नहीं दे ही नहीं रहे नंगे इस नंगे फदन बर्फ के ऊपर, गिरेंगे किधर जाके? उधर ना आना है क्या? अच्छा जी, वो लक्ष्मण मंदिर की जो हम बात कर रहे थे ना, वो है श्री रोपा लक्ष्मण मंदिर, एकदम इग्नोर्ड है, कोई नहीं जाता वहाँ पे। राम मंदिर जो है यहाँ पर बनाया गया था गुरुद्वारा साहब, बना है ना आपको कहानी है कि राम और लक्ष्मण यहाँ पर आए थे वनवास के दौरान, उन्होंने कुछ वक्त यहाँ बिताया था और उनके लिए दो मंदिर बने थे, ये राम मंदिर और वो लक्ष्मण मंदिर। जहाँ राम मंदिर है वहाँ पर बना दिया गया गुरुद्वारा हेमकुंड साहब, और ये है साथ में श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर जो अभी भी वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव चेंज नहीं आया है। देखिए लोग वहाँ जा रहे हैं नहाने के लिए, आपको करना ये है कि आप कपड़े उतारो, जूते उतारो, नंगे पांव दौड़ते हुए बर्फ में वहाँ तक जाओ, और जाने के बाद वहाँ डुबकी लगाओ। चलो जी, सर गिला नहीं करेंगे,
और उसी इंटरव्यूअर में डुबकी लगाने का खूबसूरत है, पूरे वैली है, वैली में स्नो है और स्नो में ये है वो सरोवर जहाँ लोग स्नान करते हैं। इसको देख के मुझे ओली का विंटर वाला ट्रैक याद आ गया। ओली में भी इस तरफ एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जहाँ से आप ऊपर की तरफ जाते हैं ट्रॉली में बैठ के, और ये सब ग्राउंड ऐसे ही है, बस वहाँ वाटर इकट्ठा नहीं होता, पर वैली इस तरह की लगती है। आपने देखा है तो आपको ज़रूर याद होगा, अदरवाइज़ मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये डुबकी लगाई ना पूरी, अच्छा वहाँ से फिर भाग करके इधर आना है, डुबकी मारने चले सरोवर के अंदर। ऐसे मौके कहाँ छोड़ने चाहिए हमें, है कि नहीं? देखो बर्फ पे नंगे पांव आप चल रहे हो, देखो जी कपड़े पहने थे तो ठंड लग रही थी, उतार दिए तो ठंड लगनी बंद हो गई। मैं गया जी इत्थे, ये अनुभव ऐसा है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये हमारी डिवोशन है जो हमें इस तरह के नामुमकिन से दिखने वाले माहौल में ढलने और वो करने की हिम्मत और ताकत देती है कि हम इस बर्फ़ से जमे हुए बिलो जीरो डिग्री टेम्परेचर में नहा पाए, और यही वजह है कि मैं भी इसमें नहाने की हिम्मत दिखा सका। आत्मा प्रसन्न हुई, क्या बात है, सुन हो गया सुन। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। पापा स्नान उतर, जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। एक्सपीरियंस है ऐसा, मैं कांप रहा हूँ, ठंड लग रही है, जान निकल गई है, ना नहीं ना ऐसा कुछ। शुरू शुरू हो गया नहाते हुए, थोड़ा ठंड नहीं लगी नहाने के बाद, जब मुझे वहाँ में चढ़ के जूता घर तक पहुँचा है, उस वक्त गैप था वो बहुत ज़्यादा था, वहाँ एकदम सुन नहीं सकते, थोड़ा बैलेंस करता हूँ उसके बाद बात करते हैं। हाँ तब तक यहाँ के नज़ारे तो देख ही सकते हो, ऊपर गुरुद्वारा साहब है और नीचे भी जगह को यूटिलाइज किया जा रहा है चेंज करने के लिए कुछ इस तरह से।
चुके तो उस तो रिटर्न जर्नी शुरू कर चुके हैं हम लोग। टाइम करीब 1 बजे का है, 4 बजे के लिए एक साथ घंटे हम लोगों ने जा रहे हैं। निकले थे, रुके थे, सब पहुंच गए। चलो जी सीढ़ियों से चलना ठीक रहेगा। ठीक है, कोई ना बेटे, आजा 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 आ गया। क्या हो गया जी, खोए में मिले क्या? पिछले मिले खो गया था क्या? बच्चा खो गया था जी, अब जाके पिछड़ा हुआ बच्चा अपने माँ बाप से मिला। खुशी देखो, और ये छड़ी किसकी रह गई? अच्छा उसी की है भाई, उनकी छड़ी दे दो। बाप बेटी का प्यार बिछड़ने के बाद पता चलता अपनों की वैल्यू। की हाल हो मैं बहुत अच्छा लेफ्ट सीढ़ियों से जा रहा हूँ, यहाँ बस स्लिपरी हो गया इसमें डिस्टेंस से मैं सब फिसल रहे हैं, एक एक करके सब गिर रहे हैं। पापा जी, वीर जी, वीर जी, एनु को मार दे अब, सारी गिर जा रही है। एक लाइन बना लो, आने वाले भी आ रहे हैं ना। चलो भैया चलो, सीढ़ियों वाला रास्ता लेना, सीढ़ियों वाला रास्ता ना लेना भाजी, इस वक्त वही कामयाब है, इधर तो बहुत स्लिपरी है। सीढ़ियों वाला रास्ता ना लेना, गलती ना कर बैठना। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये जो लोग इस वक्त वीर जी आगे करके एक लाइन बनाओ, दो लाइन बनाओ बनाने की बात कर रहे हैं, जब इनको मौका मिला तो यही वो पहले लोग थे जो सबको पीछे छोड़कर उस बनी हुई जगह में से निकल के सबसे आगे जाके खड़े हो गए। आपको देख लेना चाहिए आने वाले कुछ मिनटों में कि किस तरह से यहाँ ट्रैफिक जाम लगा है और किस वजह से मैंने छोड़ दिया ये रास्ता और सीढ़ियों से उतरा, जिसको जाने के लिए सब लोग मुझे मना कर रहे थे, और मेरा वो डिसीजन सही साबित हुआ क्योंकि मुझे लगे 35 मिनट नीचे उतरने में और जो लोग इस सिंपल दिखने वाले रास्ते से चल कर आए उन्हें लगे 5 घंटे। 5 घंटे वर्सेस 35 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। किस तरह से पूरा रास्ता ब्लॉक है, जो लोग चलकर आगे अंदर पहुंच रहे हैं गुरुद्वारा साहब की तरफ जाने वाले लोगों ने उनके लिए कोई रास्ता नहीं रखा। 7 फुट लंबे इस कॉरिडोर को पार करने में मुझे लगे 35 मिनट और 300 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँचने में मुझे फिर से लगे 35 मिनट। देखिए जहाँ लोग हद से ज़्यादा हों, जहाँ भीड़ चले उस तरफ आपको नहीं चलना, ये मेरी सीट है। अगर आप ये भीड़ और धक्का मुक्की नहीं देखना चाहते हैं तो डबल टैप करिए स्क्रीन पर, हर डबल टैप के साथ आपकी ये वीडियो 10 सेकंड फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर नहीं हो रही तो सेटिंग्स में जा करके आप वहाँ पर एक ऑप्शन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जब भी आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में वीडियो को आगे बढ़ाना है तो स्क्रीन पर डबल टैप करिए, हर डबल टैप के साथ 10 सेकंड ओके दीजिए, कर लीजिए फास्ट फॉरवर्ड। मैं चलता हूँ आगे की चलो भाई जी चलो।
चलो चलो सिंगल चलो जिधर रूट लेते हैं ना वहाँ भीड़ नहीं है बड़े आराम से निकल जाते हैं पौड़ी वाला रूट हम छल्ले जानवाते नहीं लड़ क्योंकि एक बार ही तड़के ना यहाँ पे आपने देखा नहीं ना आप उधर से आए होंगे किधर से सीढ़ियों वाले से नहीं हम दूसरे ही रास्ते से आए तो इस वाले और सीढ़ियों से अभी भी नहीं जाना क्योंकि सीढ़ियों से कोई फिसला ना तो बीच की जगह नहीं है दूसरे वाले रास्ते से फिसलोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे सीढ़ियों को उतरना पड़ेगा देखिए 3 फीट सरकने के लिए इतना जाम था वहाँ पर आने और जाने वालों का कि 25 मिनट लगे और खबर ये थी कि आगे ऐसा ही है तो मैंने थोड़ा सा तो रिस्क लिया है सीढ़ियों से उतरने का क्योंकि सीढ़ियों पर जो हार्ड बर्फ़ है वो जमी हुई है इस वक्त और स्लिप होने का तो डर है पर क्या होगा अच्छे स्लिप होके बम्प में लैंड करूँगा सीढ़ियों के ऊपर इतना रिस्क तो लेना बनता है भाई तो ये रिस्क लेने के बाद मैं अकेला बड़ी अच्छी स्पीड से बढ़ रहा हूँ क्योंकि इस तरफ क्राउड है नहीं मैं लोगों को मैं बोल रहा था कि सीढ़ियों से वो चले जाओ अच्छा रहेगा कोई मान नहीं रहा था स्लिपरी है अभी तक तो ठीक चल रहा है देखो किस तरह से थोड़ा स्लो भी चलेंगे ना सीढ़ियाँ कम हैं और वहाँ ट्रैफिक देखिए ट्रैफिक मतलब लाइन देखिए कैसे चल रही है उस तरफ तो ये अच्छा डिसीजन है जो दुनिया करे ना वो आप मत करिए दुनिया से अलग चलिए ये फिलॉसफी लाइफ में भी एप्लीकेबल है और इस तरह के ट्रैक में भी क्या होगा आपसे आप कुछ नया सीख लेंगे और थोड़ा रिस्क तो लेना बनता है लोगों को कंधे पर उठा के पिट्टू वाले जब यहाँ से चला सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं है ना तो है सिस्टम चलिए मेरे साथ सीढ़ियों के रास्ते से जाते हुए उधर से आया मैं उधर से था देखिए कितना क्राउड है और ये चढ़ने वाले लोग हैं जहाँ भी टकराएंगे आने वाले लोगों से वो क्रॉस ऐसा बनेगा कि कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास फिर आप लगे रहो लाइन में और ये थ्रू आउट चलने वाला है आई थिंक आई हैव टेकन अ वाइज डिसीजन एज ऑफ नाउ एक एक कुछ सीढ़ी आराम से उतरो लाठी आपके हाथ में होगी ना तो आप बैलेंस इजीली कर पाते हैं सारा वेट आपके पाँव पे ही होता है तो साथ में जरूर रखना चाहिए आपको इस तरह के हाइट पर आते और जाते हुए थोड़ा सा ही है जी थोड़ा ही है बहुत 100-150 सीढ़ियाँ सारी यहीं से आ जाना ये ज़्यादा सही है चलिए अब एंजॉय करिए नज़ारा बर्फ गिरती हुई हेमकुंड साहब दर्शन और सरोवर में स्नान के बाद ये मेरी वापसी की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है एपिसोड नंबर 5 भी है अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो आप देखिए वहाँ पर मैं कुछ खास मुद्दों को उजागर करूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए मेरे साथ मैं हूँ कैंपिंग ट्रैवल इंडिया और यह है एपिसोड नंबर 4 थैंक यू